लगा T20 वर्ल्ड कप खेलने की जता दी इच्छा। क्या मैनेजमेंट और अजीत अगरकर रोहित और विराट को अफगानिस्तान के टीम में देंगे जगह? T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं विराट और रोहित। IPL में 30 खिलाड़ियों पर चयनकर्ता रखेंगे नजर। युवा खिलाड़ियों पर ज्यादा दारोमदार। रिंकू सिंह का बल्ला मचाएगा तूफान। यशस्वी जायसवाल का सुनामी वाला अंदाज पावर प्ले में ही कर देगा विरोधियों का काम तमाम। यंगिस्तान के साथ जाएगा मैनेजमेंट या फिर अनुभवी खिलाड़ियों को देगा महत्व। जान लीजिए इस साल रोहित ले सकते हैं वनडे क्रिकेट से संन्यास। 2024 में केवल 3 वनडे खेलेगा भारत। 15 टेस्ट मैचों में दिखेंगे रोहित और विराट। अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति को अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम का चयन करते समय माथा पच्ची करनी पड़ेगी, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली जून में होने वाले विश्व कप में खेलने के इच्छुक हैं। रोहित और कोहली दोनों नवंबर 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ T20 विश्व कप के सेमीफाइनल के बाद भारत की तरफ से सबसे छोटे प्रारूप में खेले नहीं है। दो राष्ट्रीय चयनकर्ता शिव सुंदर दास और सलील अकोला अभी दक्षिण अफ्रीका में है, जबकि दूसरे टेस्ट मैच के दौरान अगरकर भी पहुंच जाएंगे। दूसरी पूरी संभावना है कि अगरकर और उनके साथी इस दौरान मुख्य कोच राहुल द्रविड़ के साथ कप्तान रोहित और स्टार बल्लेबाज कोहली से बात करेंगे और उसी के बाद अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए टीम का चयन किया जाएगा। वेस्टइंडीज और अमेरिका में होने वाले T20 विश्व कप से पहले इंडियन प्रीमियर लीग IPL में लगभग 30 खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजर रहने वाली है। अभी ये देखना होगा कि अगरकर और उनके साथी 11 जनवरी से मोहाली में होने वाले सीरीज के लिए रोहित और कोहली का चयन करते हैं या नहीं, या फिर IPL के दौरान ही उनकी फॉर्म और फिटनेस पर नजर रखी जाएगी। इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों ने स्पष्ट कर दिया कि वो T20 विश्व कप का हिस्सा बनना पसंद करेंगे। भारत को इंग्लैंड के खिलाफ 25 जनवरी को टेस्ट सीरीज खेलनी है और ऐसे में रोहित और कोहली का अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए चुने जाने की संभावना नहीं है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सूत्रों ने गोपनीयता की शर्त पर बताया है कि सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या फिट नहीं है। अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली सीरीज में कुछ अनुमान नहीं लगाया जा सकता। कोई भी फैसला IPL से पहले महीने के प्रदर्शन के आधार पर ही किया जाएगा।